संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश अपनी आदिवासी धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, जो आज भी अपनी संस्कृति को संजोकर रखे हुए हैं। ऐसी ही एक जनजाति है जो आज भी शहरों से दूर हरे भरे घने जंगलों के बीच मैकल और सतपुड़ा पर्वत के पास पाई जाती है, जिसका नाम है बैगा। तहसील के कई गांवों में ये बैगा जनजाति बिखरी हुई है। रिमोट जो हमारे वन है, वनों में इनका निवास है। इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है, इनका संस्कृति, इनका कल्चर, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी। तो शासन और हम सब लोग मिलके ये कोशिश करते हैं कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करें। इनकी जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ही इको फ्रेंडली है। ये धरती माता को अपनी माँ मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधे पे और वनों पे पूर्णतः आश्रित होते हैं। जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने जीवन का संचालन करते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। वर्तमान समय में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, विकास की इस कड़ी में वो भी शामिल है, इसलिए वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खो रहे हैं। उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी एक लिपि है, अपने उनके चित्रकलाएँ हैं, अपनी सभ्यताएँ हैं। तो ये सब संरक्षण और संवर्धन का आवश्यकता महसूस हो रही है। जहाँ पर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में बैगा जनजाति रह रही है और उनके कल्चर को बहुत नज़दीक से समझने का अवसर मिला। खासकर उनके सैला नृत्य जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, उनकी जो वनों में बिखरी हुई औषधियाँ हैं, उनका किस तरीके से उपयोग करते हैं, अपनी पूरी जो मेडिसिन है उनका उन्हीं पर निर्भर होता है। दूसरी उनकी न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं कि जब भी कोई उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो आपस में ही जो है मामले को समझौता कर लेते हैं। बैगाओं की उत्पत्ति को लेकर आज भी किसी तरह का लिखित प्रमाण नहीं है, ना ही इनका कोई इतिहास मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। वैसे तो ये कई जगह फैले हुए हैं, जिनमें मुख्यतः छत्तीसगढ़, शहडोल, रीवा, मंडला, लेकिन इनका प्रमुख निवास स्थल डिंडौरी ज़िले का बैगा चक है। इनका रहन सहन काफ़ी सहज होता है। ये एक साधारण जीवन यापन करते हैं और खुश रहते हैं। बैगा अपना घर खुद ही बनाते हैं, जो कि चारों तरफ लकड़ी के टुकड़ों से घिरा रहता है। इनके घरों की एक खास बात होती है, इनके घर में कोई खिड़की नहीं होती है। दरवाज़ों को विभिन्न कलाकृतियों से सजाया जाता है और ये उसे स्वयं बनाते हैं। अपनी आदिम परंपरा से ही बैगा जनजाति के लोग ज़मीन को माँ मानते थे और उनकी छाती पर हल चलाने को पाप मानते थे। आज से कई वर्ष पहले बैगा वेवर खेती किया करते थे और गर्मी के समय पर खेतों को जला दिया करते थे, और फिर जब बारिश होती तब उसकी पहली बूंद गिरती तब वहाँ कोदो, कुटकी, गेहूं और मड़िया आदि के बीज फैला देते। लेकिन कुछ समय के बाद इस खेती पर रोक लगा दी गई और हल चलाने के लिए सरकार द्वारा जागरूक करवाया गया।
बैगा वैसे तो साधारण रहते हैं, सिर्फ लुगरा धोती और जैकेट पहनते हैं, लेकिन किसी खास मौकों पर, खास कर बैगा स्त्रियों के आभूषण एक अलग ही रूप में देखने को मिलते हैं। गोदना एक ऐसा आभूषण जो उनके लिए एक गहना है। इनका ऐसा मानना है कि मरने के बाद भी इंसान सोना चांदी लेकर नहीं जाता, लेकिन ये एक ऐसा आभूषण है जो मरने के बाद भी इनके साथ जाता है। लेकिन आज के युग में बैगा स्त्रियां साड़ी और पुरुष वर्ग के लोग पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। बैगा कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो प्रकृति की सभी चीजें जैसे पहाड़, नदी, पर्वत, पेड़, स्तंभ आदि को अपने देवी देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बैगा जनजाति नृत्य एवं संगीत प्रेमी होते हैं। इनके संगीत में प्रकृति की छाप होती है और ये एक अच्छे अवसर पर ये अपने सभी कष्टों को भूलकर झूमते और थिरकते हैं। जबलपुर से भी गर्मा सीख चुके हैं, कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं भैया। 8वीं पास भी पढ़े हैं, वो डॉक्टर बने थे, वो कहा है 40,000 वेतन दो, कहा लाख रुपये ने को दे, इसलिए मैं कर्मा गाय की उपयोग करे हूँ।